Hi guys, back to video. का आज 2024 को इंडिया जे के और एच पी जे के का जो पोर्सन था वो मॉडरेट लेवल का था इसे हम इजी नहीं मानेंगे शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग मोनुमेंट वॉज बिल्ड इन देमसो ख्वाजा

मलिकंबर ऑफ अहमदनगर शिवाजी के प्रशासनिक सुधार जो थे वो अहमदनगर के मलिकंबर द्वारा निर्देशित थे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है स्टेटमेंट स्टेटमेंट है शिवाजी इन इन रायगढ़ एंड द टाइटल ऑफ द टाइटल ऑफ हिंदुआ धर्मोद्वारक एंड छत्रपति हिंदुआ धर्मोद्धारक इसका मतलब है हिंदू धर्म के रक्षक ये और छत्रपति ये उपाधियां धारण की थी शिवाजी ने बिल्कुल सही स्टेटमेंट है

में सज्जद ब्रदर्स की हेल्प की थी तो ये स्टेटमेंट गलत है स्टेटमेंट सही नहीं है ये हेल्प शिवाजी ने नहीं की थी वो पेशवा और थे उस पेशवा का नाम था बालाजी विश्वनाथ ने हेल्प की थी बालाजी विश्वनाथ ने विश्वनाथ ओके okay, तो फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें ऑप्शन डी ओके थर्ड क्वेश्चन है विच कंट्री ड्रॉप्ड न्यूक्लियर बॉम्ब्स ओवर सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागाशाकी ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर तो किस कंट्री ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पर ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर तो यूएसए ने गिराए थे ये दो बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी में ये हिरोशिमा और नागासाकी जापान में है तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा यूएसए ने गिराए थे ये बम कब गिराए थे एक 6 अगस्त को गिराया था 6 अगस्त 1945 को और दूसरा गिराया था 9 अगस्त 1945 को

तो ये कैटेगरी में आती है वनरेबल स्पीसीज में ओके ऑप्शन बी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ऑपरेटेड अंडर द रिस्लिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट so, दोनों ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर सेवन है फॉलोइंग एक्ट इज दर्लिएस्ट सबसे पुराना जो है यहाँ पे सबसे पहला एक्ट कौन सा है तो पहला एक्ट दिया फुलफॉर्म है ये इंट्रोड्यूस हुआ सेवन में इसके बाद है फीरा एफर e. इसकी फुलफॉर्म है फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया था नाइनटीन नाइनटी नाइन में उन्नीस सौ निन्यानवे में और इसके बाद है एम आर टी एक्ट एम आर टी पी एक्ट

आई तो टीबीपी का हेडक्वार्टर कहां पर है तो आई टीबीपी का हेडक्वार्टर है न्यू डेली में ऑप्शन डी करेक्ट होगा न्यू डेली न्यू दिल्ली में है आई टीबीपी का हेडक्वार्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हु ऑथर्ड द बुक ड्यूल्स ऑफ हिमालयन ईगल द फर्स्ट इंडो पाक एयर वॉर हिमालयन ईगल ड्यूल्स ऑफ हिमालयन ईगल द फर्स्ट इंडो पाक एयर वॉर के जो ऑथर हैं वो हैं वी एस नैनीपॉल वी एस नाईपॉल डॉक्टर वी एस नयपॉल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और ये बुक पब्लिश हुई थी 2015 में 2015 में ये बुक पब्लिश हुई थी हिमालयन ईगल ड्यूल्स ड्यूल हिमालय ईगल नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज द डिस्कालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया शैल ऑबटेन द

ability of a large number of other species to persist the community as such species are called such species are called christone species option a is microtova christone species option number a question number 12 hai, which of the following refers to the investigation into war crimes ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय द इंटरनेशनल कोर्ट निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपराधों की संबंधित था।, था तो ये नोमब ऑप्शन ए इसमेंट होगा अगला क्वेश्चन है फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बायोडाइवर्सिटी एच डी एस साइट बी एच एस सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स किस स्टेट में है फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज ये हेरिटेज है लद्दाख में ऑप्शन डी होगा लद्दाख ये जो साइट है इसकी हाइट है 4220 मीटर दो सी मीटर अब लेवल और योत्सो यो तो ये एक लेक है लद्दाख में ओके okay? जहां पे ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट सिचुएटेड अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन विच लेयर ऑफ द इज ओजोन मोस्ट टे वायुमंडल की किस परत में ओजोन लेयर जो है सबसे ज्यादा घनी होती है सांद्रित होती है तो ओजोन लेयर स्टेटोस्फीयर स्टेटो में सबसे ज्यादा घनी होती है ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि सिचुएटेड ही ओजोन लेयर स्टेटोस्फीयर में होती है तो ऑप्शन बी ही इसमें करेक्ट होगा स्टेटोस्फीयर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है ड्यूरिंग द सेवनटी फिफ्थ रिपब्बलिके परेड टैब्लू ऑफ विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट बेस्ट इन द जजेस चॉइस कैटेगरी यानी कि दो पचहत्तरों रिपब्लिक डे में पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान जज की पसंद श्रेणी में किस राज्य की जहाँ सर्वश्रेष्ठ रही सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया ओके तो फर्स्ट कैटेगरी प्रथम स्थान पर रही उड़ीसा की ओके उड़ीसा स्टेट ऑप्शन एक रेट होगा उड़ीसा उड़ीसा रही बेस्ट इन द जजेस चॉइस कैटेगरी में ओके जजेस चॉइस कैटेगरी में उड़ीसा पहले पे रही सेकंड पे गुजरात रही सेकंड नंबर पे और third पे, third पे तमिल नाडु। तमिल नाडु थर्ड पे थर्ड okay? पे रही तमिलनाडु तमिलनाडु थर्ड पे ओके थर्ड रैंक रहा फर्स्ट पे उड़ीसा ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा उड़ीसा तो ये नेशनल जीके से करंट अफेयर इंटरनेशनल नेशनल अब इंडिया हिमाचल जीके के क्वेश्चन देखते हैं ये हिंदी और इंग्लिश के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ओके okay?

ऑफ वेस्टर्न हिमालयस स्कल्पचर ऑफ वेस्टर्न हिमालयस पुस्तक के लेखक कौन है ऑथर से एक क्वेश्चन हिमाचल जी के पूछा जा रहा है हमेशा ओके okay? जितने भी अभी पीजीटी के एग्जाम हो गए हुए या अदर एग्जामिनेशन जो एच के द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं इनमें बुक्स से क्वेश्चन हमेशा आ रहा है हर पेपर में तो बुक्स इंपॉर्टेंट है इनको एक बार रिविजन कर लिया करें पेपर से जाने से पहले तो स्कल्पचर ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज इस पुस्तक के ऑथर हैं ओहरी ओके ऑप्शन बी करेक्ट होगा वी हो ओहरी वाईएस प्रमार के द्वारा बुक लिखी गई है पोलेंड्री इन हिमालयज हिमाचल प्रदेश इट्स अ स्टेट एंड शेप शेप एंड स्टेट ये पुस्तकें लिखी गई है मतलब वाईएस प्रमार के द्वारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ लोकल वैराइटीज ऑफ आलमंड तो निम्नलिखित में से कौन सी जो वे है लोकल वैराइटीज हैं बादाम की हिमाचल प्रदेश में तो तेलेंगी सिलेक्शन एंड रिबा सिलेक्शन ये वैराइटीज हैं लोकल वैराइटीज हैं आलमंड की हिमाचल प्रदेश में में ऑप्शन बी करेक्ट होगा ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद वराइटीज है तेलेंगी सिलेक्शन ये वैराइटीज हैं आलमंड की ऑप्शन इसमें बी सही होगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वट इज द एवरेज रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश तो ये हिमाचल जियोग्राफी से यहाँ से क्वेश्चन डाल दिया है एवरेज रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश इज हिमाचल प्रदेश में जो औसतन वार्षिक वर्षा होती है एवरेज रेनफॉल होती है हिमाचल प्रदेश में होती है बारह मिलीमीटर बारह मिलीमीटर ऑप्शन ए करेक्ट होगा सबसे कम होती है स्पीति में और सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो होती है धर्मशाला में ओके okay, कांगड़ा के धर्मशाला में सबसे ज्यादा और स्पीति में सबसे कम एवरेज जो बारिश होती है हिमाचल में होती है बारह मिलीमीटर mm, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी चीनी ड्यूरिंग द मॉनसून वॉज द एरी ऑफ विच ऑफ गवर्नर जनरल तो ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहोजी ऑप्शन बी करेक्ट लॉर्ड लॉर्डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू हु साइडेड विद द मुगल्स इन द बैटल ऑफ नदौन जो नदौन का युद्ध हुआ था नदौन के युद्ध में मुगलों की तरफ से किसमें युद्ध में भाग लिया मुगलों की साइड से नदौन युद्ध में भाग लिया था राजा दयाल एंड राजा ऑफ कांगड़ा ऑप्शन सी करेक्ट होगा मुगलों की तरफ से कमांडर जो थे वो थे अलिफ खान राजा चंद और राजा और दयाल ये थे मुगलों की तरफ से दूसरी साइड से थे गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह और राजा भीमचंद ऑफ बिलासपुर भीमचंद इसमें विजय हुई थी राजा भीमचंद की हम डिटेल में कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है पहले तो भीमचंद की इसमें जी हुई थी विजय हुई थी और मुगलों की हार हुई थी इसमें पार्टिसिपेट किया था मुगलों की तरफ से राजा दयाल और राजा इसमें होगा। अगला question है, question 43, right 1962। और किस राज्य के बीच का व्यापार व्यापार का अधिकार तिब्बत ने मित्रता के संकेत के रूप में दिया था जेस्टर ऑफ फ्रेंडशिप के रूप में जो कंटिन्यू चला था उन्नीस सौ बासठ तक ये ट्रेड चला था ओके okay? तो ये ट्रेड होता था तिब्बत और बुशहर के बीच में okay? और बुशहर की बीच में फॉलोइंग प्लेस कुल्लू के राजा जगत सुख ने अपनी कैपिटल जो अपनी राजधानी थी वो ट्रांसफर की थी जगत सुख से स्थान को तो उन्होंने ट्रांसफर की थी अपनी राजधानी जगत सुख से नगर को ऑप्शन बी होगा नगर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव हु अवॉर्डिड अ कॉस्टली रोब एंड विद द सैल्यूट ऑफ सेवन गन्स टू राजा शमशेर प्रकाश ऑफ हिज सर्विसेज ड्यूरिंग द 1870 1857 एटीन रिवोल्ट यानी कि के विद्रोह के दौरान राजा शमशेर प्रकाश जो सिरमौर के राजा थे उनकी सेवाओं के लिए, लिए बहुमूल्य वस्त्र और तोपों की सलामी से सम्मानित किया, किया प्रकाश को यह सम्मान दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ओके बिल्कुल था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑप्शन नंबर बी इसमेंट हुआ यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखें कि राजा शमशेर सिंह प्रकाश ने नाहन नेशनल बैंक खोला था नेशनल बैंक की स्थापना की थी नाहन नेशनल बैंक की स्थापना, 1893 में अभी और के उसमें ये नाहन नेशनल होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन है कोष्षन सेवन। ये क्वेश्चन पीजी टी के किसी और एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था एच के द्वारा एंड माउंटेन रेंज सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स झांसकर माउंटेन रेंज जो है ये सेपरेट करती है स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से ओके ऑप्शन ए करेक्ट होगा तिब्बत को ये सेपरेट करती है और किन्नौर को ऑप्शन ए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हैलोर स्टेट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द किंगडम ऑफ कहलोर स्टेट के एरिया पर कब्जा करने के कारण जिसका पतन हुआ वो किंगडम कौन था तो ये किंगडम था संसार चंद का किंगडम जिसने सोलह में सॉरी सत्रह में आक्रमण किया बिलासपुर पे और बिलासपुर के कुछ एरिया हथिया लिए थे जिसकी वजह से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ और बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई अठारह में तो ये संसार चंद का नाम था ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 विद द इंस्पिरेशन ऑफ अ बुद्धिस्ट स्कॉलर रिंचेन जांगो हु बिल्ट द तैबो ताबो मोनेस्ट्री जो विद्वान जो बौद्ध विद्वान थे रिंचेन जांगो इनकी प्रेरणा से बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था तो ताबो मोनेस्ट्री का निर्माण करवाया था ये शाहौद ऑफ वेस्टर्न तिब्बत ये शाहौद ने ताबो मोनेस्ट्री का निर्माण कराया था 1996 में 1996 सिक्स में इसका निर्माण करवाया था ऑप्शन बी करेक्ट होगा और किससे इंस्पिरेशन ली थी बुद्धिस्ट स्कॉलर रिंचेन जांगो से ओके ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर में लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो में यूनिक एग्जाम्पल ऑफ तो बशेश्वर टेम्पल जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है कुल्लू के बीन रेटेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोनूमेंट्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज विच इज द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ लेटर गुप्ता ट्रेडिशन ऑप्शन बी करेक्ट होगा लेटर गुप्ता ट्रेडिशन सो दैट्स इट ये थर्टी क्वेश्चन पूछे गए थे असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के एग्जामिनेशन में जो आज अठारह मई दो को कंडक्ट करवाया गया इसके हिंदी और इंग्लिश सेक्शन में भी हम थोड़ी देर में अपलोड करते हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच और इसकी पीडीएफ चाहिए अगर तो टेलीग्राम पे मिलेगी एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आपको फर्स्ट कमेंट में भी मैं डाल दूँगा थैंक यू सो मच